सलाम अलैकुम दोस्तों। बियर-ए-माउना की लड़ाई एक मशहूर लड़ाई है जिसमें 70 सहाबा रजी अल्लाह अन्हु की पूरी जमात शहीद हुई, जिनको कुर्रा कहते हैं, इसलिए कि सब हजरात कुरान मजीद के हाफिज थे, सिवाय चंद मुहाजिरीन के अक्सर अंसार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि ये हजरात रात का अक्सर हिस्सा जिक्र व तिलावत में गुजारते थे और दिन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घरों की ज़रूरियात लकड़ी पानी वगैरह पहुँचाया करते थे। इस मकबूल जमात को नज़द का रहने वाला कौम बनी आमिर का एक शख्स जिसका नाम आमिर बिन मालिक और कुनियत अबू बरा थी, अपने साथ अपनी पनाह में तबलीग व वाज के नाम पर ले गया। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया कि मुझे अंदेशा है कि मेरे असहाब को मजरत न पहुँचे, मगर उस शख्स ने बहुत ज़्यादा इत्मीनान दिलाया। आपने इन 70 सहाबा रजी अल्लाह अन्हु को हमरा कर दिया और एक वाला नामा आमिर बिन तुफेल के नाम, जो बनी आमिर का रईस था, तहरीर फरमाया, जिसमें इस्लाम की दावत थी। ये हजरात मदीने से रुखसत होकर बियर-ए-माउना पहुँचे तो ठहर गए और दो साथी, एक हज़रत उमर बिन उमैया रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे मुंजिर बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु, सब के ऊँटों को लेकर चराने के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत हराम रजी अल्लाह अन्हु अपने साथ दो हजरात को साथियों में से लेकर आमिर बिन तुफेल के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाला नामा देने के लिए तशरीफ़ ले गए। करीब पहुँच कर हज़रत हराम रजी अल्लाह अन्हु ने अपने दोनों साथियों से फरमाया कि तुम यहाँ ठहर जाओ, मैं आगे जाता हूँ, अगर मेरे साथ कोई दगा न की गई तो तुम भी चले आना, वरना यहीं से वापस हो जाना, कि तीन मारे जाने से एक मारा जाना बेहतर है। आमिर बिन तुफेल उस आमिर बिन मालिक का भतीजा था जो इन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ लाया था। उनको इस्लाम से और मुसलमानों से ख़ास अदावत थी। हज़रत हराम रजी अल्लाह अन्हु ने वाला नामा दिया तो उसने गुस्से में पढ़ा भी नहीं, बल्कि हज़रत हराम रजी अल्लाह अन्हु को एक नेज़ा मारा जो पार निकल गया। हज़रत हराम रजी अल्लाह अन्हु फुस्तू व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया, कहकर जा बहक हुए। उसने न इसकी परवाह की कि कासिद को मारना किसी कौम के नज़दीक भी जायज़ नहीं, और न इसका लिहाज किया कि मेरा चचा इन हजरात को अपनी पनागाह में लाया है। उनको शहीद करने के बाद उसने अपनी कौम को जमा किया और इस पर आमादा किया कि इन मुसलमानों में से एक को भी ज़िंदा न छोड़ो, लेकिन इन लोगों ने अबू बरा की पनाह की वजह से तरद्दुद किया, तो उसने आसपास के लोगों को जमा किया। बहुत बड़ी जमात के साथ इन 70 सहाबी रजी अल्लाह उनका मुकाबला किया। यह हजरात आखिर कहाँ तक मुकाबला करते और चारों तरफ से कुफार में घिरे हुए थे, बजूज एक काब बिन जैद रजी अल्लाह उनके, जिनमें कुछ ज़िंदगी की रमक बाकी थी और कुफार उनको मुर्दा समझकर छोड़ गए थे, बाकी सब शहीद हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और मुंजिर जो ऊँट चराने गए हुए थे, उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो मुर्दार खोर जानवर उड़ रहे थे। दोनों हजरात ये कहकर लौटे कि ज़रूर कोई हादसा पेश आया है, यहाँ आकर देखा तो अपने साथियों को शहीद पाया और सवारों को खून भरी हुई तलवार लिए हुए उनके गिर चक्कर लगाते हुए देखा। यह हालत देखकर दोनों हजरात ठिठके और बाहम मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। उमर बिन उमैया रजी अल्लाह उन्होंने कहा, चलो वापस चलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दें। मगर हजरत मुंजिर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि खबर तो हो ही जाएंगी, मेरा दिल नहीं मानता कि शहादत को छोड़ूं और उस जगह से चला जाऊं जहां हमारे दोस्त पड़े सो रहे हैं, आगे बढ़ो और साथियों से जा मिलो। चुनांचे दोनों आगे बढ़े और मैदान में कूद गए। हजरत मुंजिर रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए और हजरत उमर बिन उमैया रजी अल्लाह अन्हु गिरफ्तार हुए, मगर चूँकि आमिर की मां के ज़िम्मे किसी मन्नत के सिलसिले में एक ग़ुलाम का आज़ाद करना था, इसलिए आमिर ने उनको इस मन्नत में आज़ाद कर दिया।
इन हजरात में हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम हज़रत आमिर बिन फुहेरा रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। उनके कातिल जब्बार बिन सलमा कहते हैं, मैंने जब उनके बरछा मारा और वह शहीद हुए तो उन्होंने कहा, फुस्तु वल्लाही, खुदा की कसम मैं कामयाब हुआ। इसके बाद मैंने देखा कि उनकी लाश आसमान में उड़ी चली जा रही है। मैं बहुत मुतहय्यर हुआ। मैंने बाद में लोगों से पूछा कि मैंने खुद बरछा मारा, वो मरे लेकिन फिर भी वो यह कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया, तो वो कामयाबी क्या थी? लोगों ने बताया कि वो कामयाबी जन्नत की थी। इस पर मैं मुसलमान हो गया। फ़ायदा यही है वह लोग जिन पर इस्लाम को बजा तौर से फ़ख्र है। बेशक मौत उनके लिए शराब से ज़्यादा महबूब थी, और क्यों न होती जब दुनिया में काम ही ऐसे किए थे जिन पर अल्लाह के यहाँ